नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कोई दो हफ्ते के बाद मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। बीच में कोरोना से डाउन विद कोरोना था, अब लोग अपने को कोरोना वॉरियर या कोरोना योद्धा, मैं कोई ना वॉरियर ना योद्धा, ईश्वर की कृपा और आप लोगों की दुआ से बच के आ गया। इस बीच जो सबसे बड़ी ओवरवेलमिंग चीज़ थी इस पूरे सफ़र के दौरान, वो आप लोगों ने जिस ढंग के मैसेज, जिस ढंग का कंसर्न दिखाया, वो लगा कि एक मेरे पास बड़ा परिवार है। क्योंकि अब तो परिवार छोटे हो गए हैं, जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोगों ने जिस ढंग से मैसेज करके, अलग से मेल करके, व्हाट्सएप करके कुशल क्षेम पूछी और ईश्वर से कृपा दुआ मांगते रहे, तो मैं आई एम बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस वीकनेस है, वो एक एफर्ट है थोड़ा, जो पढ़ के और जो जितना रिटेन करता हूँ उसमें थोड़ी एक दिक्कत है, टेस्ट की दिक्कत है, लेकिन बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। और इस समय चीज़ें बहुत ग्रिम हैं, उस लिहाज से भी बताऊँ, क्योंकि पिछला हफ्ता जो मैं नहीं कर पाया वो चैनल की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट था। 7 अप्रैल को हम लोग 3 वर्ष पूरा कर रहे थे, हमने 2 लाख का एक माइलस्टोन, 2 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस किया था, और ये सब मैं चाह रहा था कि आपसे थोड़ा शेयर कर लें, कैसे ये सफ़र रहा 3 साल का, कैसे सब्सक्राइबर का सफ़र रहा, क्या क्या वो रहे, लेकिन होनी तो होनी होती है, उसने वो नहीं कहा। बहुत सी बातें आपसे करने को, अब वैसे ही चलेगा। थर्ड आई 3 दिन जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है वो रहेगा, लाइव शाम को 8 बजे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे करेंगे, संडे को देखेंगे, अगर कुछ और ऐसा आता है जो जिस पे बात कर सकें उसको करेंगे। बीच में थोड़ा मतलब चीज़ें डिस्टर्ब थी ना, अब बैक टू नॉर्मल है। तो आज सबसे पहले आज जो शुरू करें, और जो पहले मैं जब करता था ये शोज़, तो कई बार लोगों को ये लगता था कि भाई आप ये कोरोना की बात इतनी क्यों करते हैं। शायद मैंने भी बीच में 1-2 महीने से कोरोना के फिगर्स देना ख़त्म कर दिया था, नहीं तो मुझे ये ठीक से याद है कि मैं जनवरी तक बहुत ही शिद्दत के साथ कि कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं, कितने अभी हैं, कितने एक्टिव हैं, इस पर बात करते थे, कितने को का टेस्ट हो चुका है इत्यादि इत्यादि। कोरोना हैज़ कम टू स्टे, हमको इसके साथ अब जीने और मरने की आदत डालनी पड़ेगी, इसको ब्रश साइड मत करिए। दुनिया में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 13,66,00,000 लोग अब तक संक्रमित पूरी दुनिया में इससे हो चुके हैं आज तक, और ये अब एकदम से इसने स्पीड पकड़ी है। जनवरी 8 को ऑल टाइम हाई था, 8,45,000 लोग एक दिन के में संक्रमित हुए थे जनवरी 8 को। अप्रैल 9 अभी जो 2 दिन पहले, 7,86,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं। हम करीब करीब उस पीक पे पहुंच रहे हैं जो हमने पीक पिछले 1 साल में जनवरी 8 में देखी थी। डेथ 29,49,000, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं दुनिया की। और जो ऑल टाइम हाई था एक दिन में जब लोग मरे थे, 20 जनवरी को 17,353 लोग मरे थे, अब परसों अप्रैल 9 में 12,981 हैं। तो डेथ रेट ज़रूर पहले के मुकाबले कम हुआ है, और इंडिया जो बीच में हम 2 नंबर पे पहुंच गए थे, फिर हम 3 नंबर पे ब्रीफली आए थे, वो ब्राज़ील ने हमें ओवरटेक किया था, लेकिन हम फिर से 2 नंबर पे आ गए हैं। सबसे एक पे यूएस है और 2 नंबर पे हम हैं। हमारे यहाँ अब तक 1,35,00,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। यूएस नंबर 1 पे है, जहाँ पे 3,19,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। ब्राज़ील में 1,34,00,000 हैं, हमसे 1,00,000 करीब पीछे है वो। अभी हिंदुस्तान में जो संक्रमण है वो दुनिया में हम हाईएस्ट लेवल पे इस समय चल रहे हैं, मतलब दुनिया में इतने ज़्यादा संक्रमित एक दिन में नहीं हो रहे हैं। इंडिया में 11 अप्रैल को 1,69,914 लोगों को संक्रमण हुआ एक दिन के अंदर, विच इज़ ऑल टाइम हाईएस्ट इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो नंबर एक देश है अमेरिका, उसमें 11 अप्रैल को जब हमारे यहाँ 1,70,000 के आसपास हो रहा था, वहाँ पे 47,000 हुआ था।
वहाँ पे डेथ भी उस समय 276 हुई थी, जिस समय हमारे यहाँ डेथ हुई है 904। तो एक तो ये जरा आपसे अभी समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो अमेरिका ने सबसे हाईएस्ट होने के बाद भी अब उसके पास नंबर्स कम हो गए हैं। इस समय एक्टिव केसेस में इंडिया में 12 लाख लोग इस समय एक्टिवली मतलब एक्टिव हैं, जो संक्रमित हैं इस समय। और ये जरा समझने वाली बात इसलिए है कि इसको कैसे आपने हैंडल किया है। टेस्ट इंडिया में 25 करोड़ 78 लाख लोगों के हो चुके हैं, पर मिलियन पे 1,85,000, 10 लाख लोगों के पीछे 1,85,000, जो हम दुनिया के 115वें देश अभी भी हैं टेस्ट के मामले में। यूएस में 41 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, और शायद यही कुंजी है और यही की है जिसकी वजह से आज यूएस इतना ज़्यादा होने के बाद ही अब उसने अपने को कंटेन कर लिया है। हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं और वो प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि टेस्टिंग इज द इशू, टेस्टिंग से ही सब ठीक होगा। अरे भाई, ये जब आप तो करता धरता हैं, आपको डिसीजन लेना है, आपको लोगों को हुक्म देना है कि ऐसे काम करो, तो आप ये क्यों बता रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए। आपका रोल एडवाइजरी इस समय नहीं है, आपका रोल इस समय एग्जीक्यूटिव। आप जब सरकार को कैसे आगे पीछे किया जाए, ममता दीदी दीदी करके जब आप ये सब बातें करते हैं, तो आपको ये नहीं आता है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के लोग मर रहे हैं, तो इस समय आप ये सब मत बताइए कि क्या। अरे आप कहिए कि मैं टेस्टिंग बढ़ाओ और ऐसे ऐसे टेस्टिंग बढ़ाओ। आप ये क्या समझा रहे हैं कि टेस्टिंग, ये आप घुमा फिरा क्यों रहे हैं। तो इश्यूज़ को एक तो मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री जी उसको जानते हुए कि क्या इशू है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। टेस्टिंग इज द ओनली वो जिसकी वजह से आप इसको कंटेन कर सकते हैं, जो कह रहा है ना, टेस्ट करिए, ट्रैक करिए, कंटेन करिए। लॉकडाउन मेरे ख्याल में अब इनके पास ऑप्शंस नहीं रह गया है। मजबूरी में लॉकडाउन जो भी करें, लेकिन जैसी इतनी बुरी स्थिति के बाद भी अगर लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक अपने में वो बात है। जो देश में समय 12 लाख एक्टिव लोगों में हैं, उसमें 3 स्टेट सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हिट हुई हैं, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब। महाराष्ट्र में केवल उस 12 लाख लोगों में 5,38,000 लोग केवल महाराष्ट्र में हैं, मतलब रफली 45% केवल महाराष्ट्र में हैं। अब एक जो नैरेटिव अपने यहाँ चलता है ना कि देखा 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 ये कांग्रेस वाली रूल्ड स्टेट में ज़्यादा है वहाँ पे, वो ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से, अपने अनुभव से, अपने परिवार में मेरी पत्नी को भी हो गया था कोरोना, मेरे लड़के को भी हो गया, मैं अपने अनुभव से 1-to-1 बता रहा हूँ, लखनऊ में आज टेस्ट नहीं हो रहा है। प्राइवेट टेस्ट को आपने बंद करवा दिया है सरकार ने, क्योंकि सरकार को लग रहा है नंबर ज़्यादा हो रहे थे। सरकारी टेस्ट में आज 3 सरकारी हॉस्पिटल में मेरा अपना लड़का घूम के आया है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है। हर जगह कुछ ना कुछ CHC चिन्हट में नहीं हुआ, RML में नहीं हुआ, सिविल में नहीं हुआ, चोपड़ा अस्पताल एक बोला जाता है लीला में, वहाँ नहीं हुआ। ये 4-4 जगह पे घूम आए हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो सरकार में वो कम से कम 5 दिन बाद लोड करने का इंस्ट्रक्शंस है। ये कहीं कोई रिटर्न नहीं है, ये सरकार इस तरह से कह रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में अगर सरकार कह रही है कि कोरोना नहीं है तो आपको कोरोना नहीं है, अगर सरकार कह रही है कि आप सब ठीक हैं तो आप ठीक हैं। क्योंकि अगर आपने ये हिम्मत की ये कहने की कि मुझे कोरोना हो गया है या मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं आपको NSA में भी डाल सकता हूँ, मैं आपके ऊपर सेडिशन चार्ज भी लगा दूंगा कि आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग एक कंट्रोल रिजीम में रह रहे हैं, जहाँ पर ये सब कहना भी सरकार डिसाइड कर रही है कि आपको कोरोना हुआ है, अगर हुआ भी है तो मैं बताऊंगा कि आपको कब हुआ और कब इसको रिपोर्ट किया जाए, ये सरकार कर रही है। तो इसलिए जो ये बार बार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, मेरे हिसाब से वहाँ रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, और इसलिए वहाँ ये नंबर्स आ रहे हैं। बाकी जगह भी जो
खास करके भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे अगर सरकार अपना कंट्रोल हटा दे तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति है। लखनऊ में आज की टेलीग्राफ की आप लोग रिपोर्ट आज देख लीजिए, लखनऊ की रिपोर्ट है, वो पीयूष जी के हवाले से है, पीयूष श्रीवास्तव जी की एक रिपोर्ट है जिसमें जिसमें दो दिन की वेटिंग, उन्होंने नाम से दिया है कि मनीष जी कोई हैं, उनके दो दो दिन की वेटिंग है, मतलब क्रेमेशन के बाहर जो क्रेमेटोरियम है, इलेक्ट्रिक विद्युत शवदाह गृह, वहाँ पे बाहर दो दिन से शव लेके अपने पिता का वो बैठे हुए हैं, उनका टर्न नहीं आया है। निकम्मेपन की हद ये सोच लीजिए, ये निकम्मापन में बोल रहा हूँ, निकम्मेपन की हद ये है कि मैं और लखनऊ के रेफरेंस में कह रहा हूँ, वही मोर और लेस जब लखनऊ में ये जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छे हम लोग हैं और हम लोग क्या क्या आसमान से तारे तोड़ के ला रहे हैं, वहाँ पे दो क्रेमेटोरियम हैं, एक भैंसाकुंड यहाँ का ट्रेडिशनल जगह है जहाँ पे शमशान गृह है, वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है और एक गुलाला घाट एक नया जो बना है पुराने लखनऊ में, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है। भैंसाकुंड का एक क्रेमेटोरियम काम नहीं कर रहा है, गुलाला घाट का नहीं कर रहा है, वहाँ टेक्निकल स्नैग आ गया है। आज हवाई जहाज अभी अगर ख़राब हो जाता है तो घंटे दो घंटे तीन घंटे के अंदर हवाई जहाज बन के चलने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो बहुत ही क्रूड टाइप के हैं उसको हम लोग दो दो चार चार दिन तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है और ये हमारी टेक्निकल एक्सेलेंस है, तो इसमें कहीं से भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं होती है, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, सब लोग आगे पीछे गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं उनको आगे पीछे दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसके बाद क्या अच्छा है और क्या नहीं है ग्राउंड पे आप सब लोग देख ही रहे हैं। अब जो चैलेंज है वो चैलेंज मेरे हिसाब से बहुत दो बड़े चैलेंज हैं, एक तो हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर, इन लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि घर पे रहा तो शहर का ही ज़्यादा खबर रखे, KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रीमियम संस्था है देश की, यहाँ के से बहुत निकले हुए डॉक्टर हैं, वहाँ के कोई एडमिटेड वो है VC के साथ साथ करीब 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं, और वहाँ के VC फौज के जनरल हैं, तो वो डिसिप्लिन भी था उनको, उसके बाद वो संक्रमित हो गए हैं दोनों डोज लगने के बाद। तो कहना यह है कि स्थिति खराब है, हेल्थ वर्कर्स की वो इश्यूज हैं, आज जो कई जगह टेस्ट नहीं हुए वहाँ इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो जो टेस्ट करने वाले हेल्थ वर्कर्स थे या फ्रंटलाइन वो कर्मचारी थे जो इसको देख रहे थे, जो डॉक्टर्स थे उनको संक्रमित खुद हो गए हैं। तो एक ये यहाँ पे नहीं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और पंजाब में सबसे बड़ी समस्या इस समय हेल्थ वर्कर्स की है, लोग कम मिल रहे हैं। दूसरी दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की, क्योंकि इसकी किल्लत हो गई है और इसकी किल्लत ठीक से हो गई है, क्योंकि ये सरकारी डेटा है, मैं बोल रहा हूँ सरकारी डेटा, आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अपना डेटा है कि जो 12 लाख लोग हैं उसमें से 0.46 वेंटिलेटर पे हैं, 2.31% ICU पे हैं और 4.51 ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। मैं इसमें इसको टेस्टिंग वाला इसलिए मैं करूं कि टेस्ट करा लीजिए अगर कहीं से भी आप लोग का हो सकता है, कहीं पे भी शक शुबा आपको होता है इट इज़ बेटर कि टेस्ट करा के वो कर लीजिए, और स्टे सेफ, घर पे रहिए, हाथ धोइए, इससे ज़्यादा आप इस समय अगर कहीं कोरोना हो गया तो ये ईश्वर और आपके बीच में कोई और रहेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जो कुछ भी कहे, एक सरकार का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेप्शनली अच्छा काम किया है एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, और पढ़े लिखे जिसको बोलते हैं कि जिसको ट्रू सेंस में पढ़ा लिखा बोलते हैं ना, IT वालों को हम लोग क्यों सलाम करते हैं, IT वालों को सलाम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग और उनकी दृष्टि उनकी फोरसाइट ज़्यादा बेटर होती है। अरविंद केजरीवाल ने वो प्रूफ किया है, अरविंद केजरीवाल के मेरे बहुत से पॉलिटिकल उनके जो वो हरकत करते हैं पॉलिटिकल, मैं उससे बहुत सी चीज़ों से मेरा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस समय हेल्थ की बात है उससे अच्छा मॉडल देश क्या दुनिया में कुछ नहीं है। उनका दिल्ली गवर्नमेंट का ऐप आप अभी भी देख लीजिए, मैं खुद देखा हूँ, उस ऐप में जब आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि इस अस्पताल में इतनी बेड खाली हैं,
इस अस्पताल में इतनी बेड खाली हैं। मेरे एकाध दोस्त मित्र ये कह रहे हैं उनके यहाँ जो बीमार पड़े हैं वो लोग यहाँ से उठ के चले गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में जाके उन्होंने अपने को टेस्ट करा लिया है जिससे वो वहाँ पर एक तरह से रजिस्टर हो जाएँ, और उनसे फिर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो आपको पहले डंडा लगाया जाएगा, SHO आपके घर आएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की कि तुम आदमी हो कि जिसको बोलते हैं पजामा, कि तुम बाहर के आके यहाँ पे अपने को एडमिशन करा रहे हो, तुम आदमी हो ही नहीं। दिल्ली में इस तरह का कुछ नहीं है। अगर आपको कोरोना है तो आप आदमी हैं, और उसको दिल्ली गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है। आपको ऐप से ही पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर बेड खाली हैं। यहाँ पर आप कुछ घूमते रहिए, वो किस्सा मैं कभी और लाइव में करूंगा लंबे से कि कैसे मैं अपना उस एक्सपीरियंस की बात अलग से कर लेंगे। अब मैं थोड़ा एक दूसरी बात कर लूं जो इस समय देश में हल्ला मचा हुआ है वैक्सीन का। अब वो टीका उत्सव कह के मतलब हर चीज़ को इवेंट बनाना वो हमारे प्रधानमंत्री की एक अपनी फितरत है, और ये शायद फितरत वो भी है जो नेताओं की फितरत हो गई है। जैसे बहुत से विवाह जो होते हैं वो इवेंट ज़्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनसे आप 10-10 साल से नहीं मिले हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप जिनको पहचानते तक ठीक से नहीं है, उनको भी आप उस इवेंट में बुलाते हैं पार्टिसिपेट कराने के लिए। उसी तरह से ये जो टीका उत्सव है, मतलब आप मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बीमारी जो एक आपदा ही हम लोग मानते हैं, बीमारी को कोई अच्छी बात नहीं मानता है, उसका उत्सव कैसे हो सकता है? या तो हिंदी मैंने गलत पढ़ी है, या जो मैंने हिंदी पढ़ी है वो फ़र्क हिंदी है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग जो हिंदी कर रहे हैं वो फ़र्क हिंदी है, हम लोग अलग अलग हिंदी के माने हैं। मेरे हिसाब से बीमारी और आपदा में कोई उत्सव नहीं हो सकता है, लेकिन आपदा में भी अवसर खोजने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को ये हक है, जो भी वो चाहें वो थाली भजवाएँ, चाहे वो करवाएँ, चाहे इसको उत्सव मनवाएँ, कुछ भी करवाएँ। अब जो आज की डेटा है उसके अनुसार हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है कि 10 करोड़ 45 लाख लोगों को अब तक कुल वैक्सीन लगा है। उसमें ये फिगर अलग है, वो मैं करीब 7-7.5 करोड़ को एक बार लगा है, और करीब 1.5-2 करोड़ को, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 10 करोड़ 45 लाख की टोटल फिगर है, जिसके दो हिस्से हैं, एक को डबल डोज लग चुकी है वो करीब 2 करोड़ के आसपास हैं, बाकी 8 करोड़ 8.5 करोड़ वो लोग हैं जिनको एक डोज अभी लगी है। मुझे भी पहली डोज लग गई थी, दूसरी डोज मुझे 2 अप्रैल को लगनी थी, लेकिन इसकी वजह से वो हो गया। वो कब लगेगी वो चेक करना होगा डॉक्टर से मुझे। एक मैं इंटरेस्टिंग आपको के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डेटा है, ये उनकी साइट से लिया है, और ये आप उसको साथ में देखें, मैं इसको इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस डेटा में आप देख रहे हैं कि करीब 46 देशों को भारत ने 6.47 करोड़ को हमने वैक्सीन, इतनी नंबर ऑफ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की है। अब हो क्या रहा है कि पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि क्या है, तो आपको कुछ चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। एक तो जो हम लोग अपनी पीठ बार बार ठोक रहे थे कि दुनिया के में हम विश्वगुरु हैं, और हमने 84 देशों को हमने वैक्सीन दी, 84 देशों को वैक्सीन दी, उसका सच समझ लीजिए कि उसका सच क्या है। आप ये लिस्ट देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट है, मतलब वो है साइट है, मोदी जी के विभाग की साइट है, मतलब उनके मंत्रालय की साइट है। कुल 86 देशों को ये दिखा रहा है कि कोविड वैक्सीन हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हुई है। उसके अब आप ध्यान से उसको अगर नीचे वाला कॉलम देखिए तो 6.47 करोड़ आपको कुल दिखेगा। उसके 3 कैटेगरीज अब आप ऊपर देखिए, ग्रांट, उसमें 3 आपने जो ग्रांट दी, ग्रांट इनफैक्ट वो है जो एक तरह से आप अपनी तरफ से, जो आप विश्वगुरु जिसमें अपने को कह रहे थे कि हम दुनिया की वो कर रहे हैं, दूसरा कमर्शियल, और तीसरा कोवैक्स। मैं को भी समझाता हूँ आपको। कोवैक्स जो एक है, कोवैक्स को उन्होंने एक्सेस टू कोविड-19 टेस्ट एक्सेलरेटर करके पिछले साल अप्रैल में एक WHO, यूरोपियन यूनियन कमीशन और फ्रांस ने मिलके, तीनों लोगों का जॉइंट वो हुआ था, और जिसको गवी नाम का एक
प्रोग्राम था जो उसको ड्राइव कर रहा था, जो बेसिकली वैक्सीन अलायंस है, कोऑर्डिनेशन बाय वैक्सीन अलायंस, वो ऐसे अंडर प्रिविलेज देश या ऐसे देश जहाँ पे उनको मुहैया नहीं है, उनके यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, उनके यहाँ वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है, तो उन देशों को करने के लिए ये कोवैक्स नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है देश में, दुनिया में। अब जब आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का देख रहे हैं तो इसके तीन हैं। एक ग्रांट है, जो ग्रांट सही तौर पे जो 84 देश को हमने दिया, 84 देश को हमने दिया जो ये हम लोग कर रहे थे, वो ध्यान से देखिए तो उसमें कुल 45 देश को हम लोगों ने वो ग्रांट दी है, 1,50,000। तो 1 करोड़ से ऊपर हमने करीब उसमें दिया है ग्रांट के रूप में, जिसमें हमने 10,000 को भी ग्रांट दिया है। मतलब जैसे आजकल 10,000 अगर वैक्सीन आप किसी डोज पहुंचा रहे हैं तो कायदे से 5,000 लोगों को ही आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि दो डोज अगर हैं तो 5,000 लोगों को है। उसको भी हमने अगर मान लिया 10,000, 25,000, 20,000, 40,000, इस तरह से करके 1 करोड़ है, जो सबसे ज़्यादा उसमें बांग्लादेश को है, ये ग्रांट का हो गया। फिर कमर्शियल है, कमर्शियल 3,57,00,000 है। अब कमर्शियल वाले को आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, इट्स अ कमर्शियल थिंग, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसमें आपने कौन सा काम तीर मार लिया है भाई? दुनिया में वो एक आपके यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट आपके यहाँ था जिसको उस तरह की फैसिलिटी थी उसके पास, उसको अप्रोच किया कि भाई तुम्हें बना सकते हो, उसने कहा हम बना सकते हैं, उसके बाद वो बना रहा है, इट्स अ कमर्शियल थिंग हैपनिंग। उसमें कोई आपकी तरफ से दरिया दिली या वो दिखाने की बार बार ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा है कोवैक्स। कोवैक्स में अब आप अगर वो ध्यान से देखिए तो मार्च के बाद अप्रैल में एकाध जगह कुछ वो हुआ है, हिंदुस्तान ने कोवैक्स को भी रोक दिया है। अब टेक्निकली जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो ड्यूटी बाउंड है, वो कंट्रेक्चुअली बाउंड है कोवैक्स की सप्लाई करने के लिए। कोवैक्स को सप्लाई हुआ है 1,83,00,000, जो एज पर कंट्रैक्ट है उनका कोवैक्स के साथ सीरम इंस्टीट्यूट, जो ये वैक्सीन बना रहा है, ये उसका कंट्रैक्ट है, ये उसको देना ही देना है। आपने जाके उसमें अपना ऑर्डर नहीं लगाया, ये उसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, देश के हेल्थ मंत्री या देश के वो सारे लोग जो डिसीजन मेकिंग हैं, उन लोग जिम्मेदार हैं। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की क्या गलती है, जो बार बार हो रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को देखिए और वो कह रहा है कि मुझे अपने वो बढ़ाने के लिए इतना समय चाहिए, और अरे भाई आप पैसा भी नहीं देंगे, आप वो भी नहीं करेंगे, तो सीरम इंस्टीट्यूट की इसमें कोई गलती नहीं है। जो आपको मैंने बताया था 6,47,00,000, कमर्शियली 3,57,00,000 हमने जो वो है वो कॉमर्स बिजनेस हुआ है। अब वो मोदी जी ने ही सिखाया है आत्मा क्या आपदा में अफसर, तो आपदा में अफसर हुआ है इस उसमें। और कोवैक्स में 1,83,00,000 है। तो जो ग्रांट एक्चुअली है, जो सही बात यह है जिसको हम लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं, वो 1 करोड़ की ही डोजेस गई हैं। देश में एक जो गुस्सा भी है कि भाई पहले अमेरिका ने एक भी डोज इधर उधर नहीं दी है, उसने पहले कहा है कि हम अपने लोगों को ठीक करेंगे, उसके बाद हम किसी दूसरे को देखेंगे। वो अपनी अपनी फिलॉसफी हो सकती है, देश की फिलॉसफी में व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर थोड़ा ऐसे अंडर प्रिविलेज देशों को कुछ दे दिया गया है और कुछ भेज दिया गया है ग्रांट के रूप में, ग्रांट के रूप में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कमर्शियली और कोवैक्स को आप वो कर रहे हैं तो आपने ऑर्डर क्यों नहीं किया, ये इसकी जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है। और ये आप कुछ भी घुमा फिरा के कहते रहिए, जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर नए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, चुनाव की बातें हैं, किसान आंदोलन की बात है, वो आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं एक बार इसके साथ कि घर रहिए, सेफ रहिए, कीप वॉशिंग योर हैंड, मास्क लगाइए। थैंक यू सो मच।